Back to my channel. So today's topic we are talking about the conditional sentences. So basically conditional sentence होते क्यों है, इसका importance क्या है और exam में ये कौन से type के conditional sentence पूछे जाते हैं। तो basically conditional sentence यानी क्या कि दो conditions दी जाती है और वो conditional sentence दो clauses में divide रहता है। सबसे पहला if clause और दूसरा रहता है main clause। दो clauses से joined होके वो बनता है conditional sentence। तो हम लोगों को basically क्या देखना है, if clause के बाद वो comma आता है और जो मेन क्लॉज में हम लोगों को हमेशा देखना है वर्ब या फिर टेंस कौन सा यूज होता है। जैसे जैसे यहाँ पे टेंस यूज होगा वो कंडीशनल सेंटेंस चेंज होते जाएंगे। जैसे देर आर बेसिकली फोर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो ये टोटल चार टाइप के आपके कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो हम लोग एक एक हम लोग देखेंगे, उसका कंडीशनल सेंटेंस का इम्प्लीकेशन देखेंगे, एग्जाम में पूछे गए सवाल की कौन से रैंडमली आस्क क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, और अकॉर्डिंगली वी विल। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंडीशनल सेंटेंस यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस, हर एक कंडीशनल सेंटेंस अपने अपने में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो ये कैसे डिफाइन या फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड या फिर थर्ड। एकदम सिंपल चीज दी जाती है आइडेंटिफाई करने के लिए, खाली कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले जीरो कंडीशनल सेंटेंस विल ऑलवेज टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ। इंपॉर्टेंट है ये जनरल ट्रूथ, जो भी कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो ये हो जाता है आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस ऑलवेज एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ। उसका जो आउटकम रहेगा, सेकंड इसका पैरामीटर है, इसका जो आउटकम रहेगा, आउटकम विल ऑलवेज सेम। जो कंडीशन दी जाती है, जो कंडीशन का जो आउटपुट रहता है वो ऑलवेज सेम रहेगा, ऑलवेज सेम। और जो थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज है जीरो कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए, कि इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो तीनों चीजें हैं, अगर आपने ये तीन चीजें ध्यान में रख लिए तो आप कभी भी जीरो कंडीशनल सेंटेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर दिए गए सेंटेंस में, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में अगर कुछ एरर रहता है तो यू कैन आइडेंटिफाई इजिली बाय जस्ट थ्री पॉइंट्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक्सप्रेस पहला पॉइंट जनरल ट्रूथ के बारे में रहता है हमेशा, उसका आउटकम रहता है वो हमेशा सेम रहेगा, और वो दिया गया सेंटेंस ऑलवेज फॉलो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि जनरल ट्रूथ का सेंटेंस कैसा रहता है। इफ यू हीट वॉटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। तो ये है जनरल ट्रूथ, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक के ले जाते हो तो वो हमेशा बॉइल होगा। यानी पहला, सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो दिया गया सेंटेंस है इट एक्सप्रेस द जनरल ट्रूथ कि अगर आप पानी 100 डिग्री पे ऊपर गर्म करते हो तो हमेशा वो बॉइल होगा। तो इट ऑलवेज टॉक अबाउट द जनरल ट्रूथ, पहला कंडीशन इज ओके। नेक्स्ट, इसका आउटकम हमेशा सेम रहेगा, आप हजारों बार लाखों बार पानी को गर्म करो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, वो हमेशा बॉइल होगा। ऐसा कुछ है क्या कि हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जाम्पल उसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हम लोगों ने बॉइल किए तो इंस्टेड ऑफ बॉइल ये फ्रीज हो जाएगा या फिर दूसरा कुछ हो जाएगा? नहीं, उसका जो आउटकम रहेगा, आउटकम विल ऑलवेज द सेम इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। तो एंटायर सेंटेंस इज इन व्हाट, एंटायर सेंटेंस इज गिवन इन अ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो इसके हम लोग मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं जिसके कारण ये आपके दिमाग से कंप्लीट बैठ जाएगा कि ये जीरो कंडीशनल सेंटेंस होते कैसे। तो सबसे पहले ये तीन चीजों आप लिख लो कि जनरल ट्रूथ, आउटकम उसका सेम रहता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग अभी। सेंटेंस है इफ इट रेन्स, यहाँ पे आ गया कॉमा, ये आ गया आपका इफ क्लॉज और ये आ गया आपका मेन क्लॉज। ओके, तो इफ इट रेन्स कॉमा आ गया और उसका ये आउटपुट आ गया, कंडीशन दी हुई गई कंडीशन क्या है कि अगर पानी आता है तो फिर जो मैदान है वो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो ये ट्रूथ के बारे में बराबर बता दिया इसने, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, हो गया ये। तो ट्रूथ जो है वो जनरल ट्रूथ है, आउटकम इसका वही है कि जब जब बारिश होगी तब तब ये मैदान गीला होगा। कि ऐसा कभी हो सकता है कि बारिश आए और मैदान गीला ना हो? तो उसका आउटकम जो रहेगा हमेशा सेम ही रहेगा, जब जब बारिश होगी तब तब ग्राउंड गीला होगा, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर जनरल ट्रूथ।
सेंटेंस देखो किस टेंस में दिया गया है, रेंस गेट्स, हमेशा ये वी वन सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो अपना जो स्ट्रक्चर है ये तो ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये गिवन सेंटेंस इज इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जीरो कंडीशनल स्ट्रक्चर में ये दिया गया सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं। इफ यू पोर ऑयल ऑन वाटर इट फ्लोट्स, अगर आप ऑयल पानी में डालोगे तो ऑयल क्या होगा, फ्लोट होगा, ऊपर तैरेगा। तो ये भी जनरल ट्रूथ है, जब जब आप जो ऑयल है पानी में डालोगे हमेशा वो क्या रहेगा, ऊपर ऑयल तैरेगा। ऐसा कभी हुआ है कि आपने ऑयल डाले हो पानी में और उसके बाद वो पानी तैर रहा है, ऐसा होता है? तो इट्स ऑलवेज टॉक अबाउट द जनरल ट्रूथ एंड गिवन सेंटेंस इज इन अ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इट फॉलो दिस जीरो कंडीशनल स्ट्रक्चर। तो दिया गया सेंटेंस किसमें है, जीरो कंडीशनल में है। नेक्स्ट देखो सेंटेंस, इफ यू फ्रीज वाटर, आप जब वाटर को फ्रीज करोगे तो वो हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। तो ये भी जनरल ट्रूथ है, ये भी जो दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, और ये क्या बता रहा है, इसका जो आउटकम है हमेशा वही रहने वाला है, जब जब आप पानी को फ्रीज करोगे तब तब वो हमेशा वो आइस में कन्वर्ट होगा। उसका कुछ ऐसा लग रहा है कि आउटपुट कुछ अलग होगा, ये आइस में कन्वर्ट नहीं होके वो फायर में कन्वर्ट होगा। तो इट ऑलवेज टॉक अबाउट जनरल ट्रूथ, ये हो गया। चलो और नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते। इफ आई गेट सिक आई गो टू द डॉक्टर, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, ये भी बराबर है। तो इसमें क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाता है दिया गया सेंटेंस, और इसका जो जनरल ट्रूथ दिया गया, जब जब मैं बीमार पड़ता हूँ तब तब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, इसका जो आउटकम है वही सेम ही है। नेक्स्ट चलो और एक सेंटेंस देख लेते। इफ पीपल डोंट ईट और ड्रिंक दे डाई, देखो इफ पीपल डोंट ईट और ड्रिंक, अगर लोग खाना नहीं खाएंगे या फिर पानी नहीं पियेंगे तो फिर मर जाएंगे। तो गिवन सेंटेंस जनरल ट्रूथ के बारे में बताया गया है, बराबर है, यूनिवर्सल ट्रूथ जनरल ट्रूथ के बारे में बताया गया है। और गिवन सेंटेंस इज इन व्हाट, गिवन सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये भी स्ट्रक्चर वही फॉलो कर रहा है। तो जीरो कंडीशनल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने जो देखे थे कि हमेशा जीरो कंडीशनल ने उनसे स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए कि उसका जो ट्रूथ है वो हमेशा जनरल ट्रूथ रहना चाहिए, ना कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, हमेशा वो जनरल ट्रूथ रहना चाहिए, जो उसका जो आउटकम है आउटकम हमेशा वो सेम ही रहेगा। आप इतने सारे एग्जांपल्स देख लो, सभी में जो आउटकम है वही आने वाले हैं। और सेंटेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप उसका टेंस जो देखोगे तो वो हमेशा टेंस किस में रहेगा, वो रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हो। आई डोंट थिंक सो कि एक बार अगर आपने इतने सारे एग्जांपल्स अगर आप देख लेने के बाद आपको जीरो कंडीशनल सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम आएगा। कोई भी एग्जाम एसएससी रहे, सीजीएल रहे, आईबीपीएस रहे, किसी में भी आप जीरो कंडीशनल सेंटेंस इजी आइडेंटिफाई करोगे और मार्क बना के आ जाओगे। ओके।